दोस्तों अपनी पेन इंटर कंट्रोल के बारे में न जाने कितनी बार सुना होगा या फिर आप जानना चाहते हैं कि पेन इंटर कंट्रोल होता क्या है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं इंसान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेन इंटर कंट्रोल होता क्या है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। मान लो आपके घर पर कई सारे बच्चे हैं जो छोटे हैं और वे सभी स्मार्टफोन यूज में लेते हैं। आप अगर उन्हें कोई ऐसी वेबसाइट से दूर रखना चाहते हैं जिससे उन्हें कोई हानि ना हो या फिर कोई क्राइम वेबसाइट हो उनसे अगर आप उन्हें दूर रखना चाहते हैं तो आपको जो पेंटर कंट्रोल के सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें काम में लेना होगा। अगर आप किसी अच्छे पेंटर कंट्रोल के सॉफ्टवेयर काम लेते हैं तो वो आपको पूरे डेटा दिखाएंगे कि उन्होंने कितनी देर इंटरनेट सर्व किया, साथ ही कौन कौन सी वेबसाइट खोली, अगर फेसबुक में कोई फ्रेंड को किस किस फ्रेंड को क्या क्या मैसेज दिया, आपकी पूरी डिटेल दिखाई जाएगी। साथ ही आप उनकी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये वेबसाइट इतनी देर खुलनी चाहिए, अगर ये वेबसाइट खुलनी नहीं चाहिए। ये होते हैं पेंटर कंट्रोल के काम। आप उन अपने जितने भी जिन जिन डिवाइस में पेंटर कंट्रोल स्टोर किया है उन सभी डिवाइस की आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस वक्त ये डिवाइस कहाँ पर है, ये क्या इंटरनेट पर सर्व कर रहा है, साथ ही साथ कौन सी वेबसाइट खोल रहा है, कौन सी वेबसाइट पर इसने क्या काम किया, कितनी देर इसने वेबसाइट चलाई। ये होते हैं पेंटर कंट्रोल के काम। और बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं, ये आपके स्मार्टफोन में यानी कि जो जिसकी स्मार्टफोन में आप ये काम में लेना चाहते हैं उसके स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर हो जाता है। उसके बाद आप उसके स्मार्टफोन में अपने स्मार्टफोन के जरिए भी लिमिट लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट नहीं खुलनी, ये सॉफ्टवेयर होता है ये उसके अंदर जितनी वेबसाइट को खोलता है उन्हें ब्लॉक करता है, साथ ही साथ जो सारे दिन में उतने भी काम करता है उन्हें सभी रिकॉर्ड करता है और उन्हें आपके पास सबमिट करता है। ये होते हैं पेंटर कंट्रोल के काम। मुझे उम्मीद आपको पता चल चुका है कि आखिर पेंटर कंट्रोल होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।